अमेरिकी ड्रोन हमले में एक टॉप ईरानी जनरल की मौत के एक दिन बाद शनिवार तड़के अमेरिका ने दोबारा हमला किया। इस ताजा हवाई हमले में अमेरिका ने इराक के हशदल शावी अर्धसैनिक बल के काफिले को निशाना बनाया। अमेरिका के ड्रोन हमले में बगदाद में शुक्रवार को मारे गए ईरानी कुद्स बल के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी अर्धसैनिक बल के उप प्रमुख अबू मेहदी अल मुहंदिस के लिए शोक मार्च निकाला जाना था। ईरान और अमेरिका के बीच बेहद तनावपूर्ण स्थिति में यह हमले सबसे नाटकीय घटनाक्रम है। ड्रोन हमले के करीब 24 घंटे बाद एक और हमले में इराकी अर्धसैनिक नेटवर्क हशद अल शाबी के काफिले को निशाना बनाया गया। इस नेटवर्क के शिया बहुल धड़ों को ईरान समर्थक माना जाता है। समूह ने अपने बयान में हमले की जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि इराकी सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि यह हमला अमेरिका ने किया था। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि बमबारी में हशद के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। उन्होंने मरने वालों की सटीक संख्या नहीं बताई। इस हमले के बारे में अमेरिका ने कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के शक्तिशाली कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शुक्रवार को मौत हो गई थी। जनरल सुलेमानी आयतुल्ला खुमैनी के बाद ईरान में सबसे ताकतवर थे। उनका कुद्स फोर्स ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक इकाई थी जो सीधे सीधे आयतुल्ला खुमैनी को रिपोर्ट करती थी। ट्रंप ने कहा कि सुलेमानी अमेरिकी राजनयिकों और सैनिकों के खिलाफ हमले की साजिश कर रहा था, लेकिन हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा और खत्म कर दिया। हमने युद्ध शुरू करने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए यह कार्रवाई की है। हमारे दिल में ईरान के लोगों के लिए बहुत सम्मान है। हम ईरान में तख्ता पलट नहीं चाहते, लेकिन ईरान को पड़ोसियों के साथ छद्म युद्ध बंद करना होगा।